अब जनता स्वयं जय श्री राम बोलती है और ममता दीदी भी जय श्री राम बोलती है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। बंगाल में इस बार हम मोदी जी के नेतृत्व में 30 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। मालदा की सीट हम सिर्फ 5000 वोट से हारे थे, इस बार बहुत अच्छे बहुमत के साथ हम मालदा जीतने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि 2016 की 25,000 नौकरियों को रद्द कर दिया गया है। ममता बनर्जी कहती है इसके पीछे भी बीजेपी की साजिश है। बीजेपी की कहां साजिश है भाई, ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। ममता दीदी अपने मंत्रियों के भ्रष्टाचार को कंट्रोल नहीं कर सकती। मंत्रियों के घर से 50 करोड़ 100 करोड़ रुपया निकलता है और कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, और बेरोजगार युवाओं से एक नौकरी के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपया इकट्ठा किया गया, इसका कोई हिसाब है? ममता जी को ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि जो रैम्पड करप्शन हुआ है नौकरियां देने में, इसके कारण हाईकोर्ट ने स्टेप लिया है, और हाईकोर्ट के इस कदम ने ममता बनर्जी के शासन को कंप्लीट एक्सपोज कर रख दिया। अमित जी, इस समय कांग्रेस विपक्ष ये कहता है कि जिस तरह की बातें फैलाई जा रही है सीए को लेकर कांग्रेस के नाम पर, पी चिदम्बरम कहते हैं सीए के नाम पर जिस तरह के कटाक्ष कर रहे हैं, वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, सीए देश का कानून है, हमारे शरणार्थी भाइयों को डरने की जरूरत नहीं है, ये जमीन की हकीकत है। ना कांग्रेस को बहुमत मिलना है और ना कानून बदलना है। हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि हमारे सारे शरणार्थी भाई, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, ये सभी को हम नागरिकता देंगे, सम्मान देंगे और हम सब जैसा अधिकार भी देंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शायद उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, चुनाव लड़ना है तो अब तक क्यों सस्पेंस रखा था? मेरी तो समझ में नहीं आया, इतने बड़े नेता अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में क्यों कंफ्यूज है? क्योंकि जनाधार खिसक गया है। एक आखिरी सवाल, मनमोहन सिंह का 18 साल पुराना बयान उठाकर विपक्ष कहता है कि प्रधानमंत्री ने धर्म की लड़ाई कर दिया है इस चुनाव को, कैसे देखते हैं इसको? 18 साल पुराना मनमोहन सिंह का बयान उठाकर विपक्ष ने का आरोप है कि बीजेपी इसको फिर से धर्म का चुनाव कर रही है विकास की जगह। देखिए, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधन पर माइनॉरिटी का पहला अधिकार है। अब मैं कांग्रेस के लोगों को पूछना चाहता हूं, इसका मतलब क्या है? इस देश में कोई संविधान है या नहीं? मोदी जी ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधन पर सबसे पहला गरीब का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो।